So our group set up a stall asking people about their experiences regarding toxic beauty standards, whether they have ever compared themselves and how it affected their mental health. As well as we asked them to share remedies regarding how one going through a similar situation as them could do to get out of this destructive cycle and heal themselves and improve their mental health. जी जी बिल्कुल सही कहा है आपने। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आई जा रहा है, ना सिर्फ हमारे ऊपर और बल्कि यूथ के ऊपर भी। हमारी यूथ बड़ी गलत तरीके से मुतासर हो रही है, कंपेरिजन करना शुरू हुई है। अब देखें, आप बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं वो अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, अपनी फैमिली ब्लॉग्स डालते हैं, इसकी वजह से हमारी यूथ में काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल क्लास है वो देखते हैं कि अपर क्लास इतनी लेविश लाइफ गुजार रही है, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि हमारे अंदर क्यों नहीं है। मोर ओवर जो लोअर क्लास है उनको आती है मिडिल क्लास में कन्वर्ट करने की आती है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि डिफेंस आया था, काफ़ी अपर क्लास वहाँ पे जा रही थी, तो अब क्या है जी ईद के दिनों में जो बात है। जी जी बिल्कुल, ईद के दिनों में तो अब क्या है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उनको साथ से कमतरी का शिकार होते हुए वो भी वहाँ पे पहुँच गए, जिसकी वजह से अपर क्लास वहाँ पे नहीं जा रही। इसकी वजह से ना कि आपके बिजनेसिस भी अफेक्ट हो रहे हैं बल्कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी भी मुतासर हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इससे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं उनकी डेली लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज कर देते हैं अपनी लाइफ को, और नॉर्मल जो एक आम जिंदगी होती है उसको बहुत ऐसे शो किया हुआ कि बहुत मंडेन लाइफ चाहिए, तो अच्छा नहीं है। इवन दो जो एक आपके ज़िंदगी में रूटीन बन जाती है, एक अच्छी बन जाती है, बेशक रिपीटेडनेस आ जाती है अक्सर, इट इज़ स्टिल समथिंग दैट शुड बी चेरिश, दैट शुड बी इन्जॉयड, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, लेकिन स्टिल पीपल ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसेस अपनी जिंदगी से शो करते हैं। तो आप कहना चाह रहे हो कि लोगों को अपने अंदर अप्रिशिएशन शो करनी चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए जो उनके पास है? डेफिनेटली ग्रेटफुल होना चाहिए, और अपनी जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं डेफिनेटली यू शुड स्ट्राइव टू ग्रो, इवन क्या कहते हैं ऊपर जाओ अपने जहाँ आप करंटली हो उससे, लेकिन जहाँ पर आप हो उस टाइम करंटली उसको भी अप्रिशिएट करो, बिकॉज देयर वाज अ टाइम यू ट्रेड फॉर दैट मोमेंट जहाँ पे आप इस समय खड़े हैं। डेफिनेटली आई फील लाइक इट शुड बी समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड मोर, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन, एवरीथिंग दैट यू सी पीपल डूइंग इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। अगर आपको उसके ऊपर अच्छा लगे दैट्स नॉट मीन कि आपको अच्छा लगे, स्पेशली एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। तो हर चीज़ जो आपको शो कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं, वो उनको उनकी वही लाइफ स्टाइल है, आप उसकी लाइफ स्टाइल को किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ओरिजिनलिटी लानी चाहिए। हर चीज़ आपकी डिफरेंट होती है, लोगों की डिफरेंट। वेरी वेल सेड, थैंक यू। माद, आपको इस तरीके से सोशल मीडिया से इफेक्ट हुए हो, आपने अपने आप को कभी इसी से कंपेयर किया है या कुछ? हाँ, वेल यस, आई हैव बीन अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल, लोगों के देखकर, यू नो, फिटनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको देखकर, बिकॉज आई एम अ बिट ओवरवेट एंड सो दैट हैज अफेक्टेड मी, एंड अदर थिंग्स अदर देन दैट have also affected me. आपकी mental health कैसे affect हुई अगर इस हुई? You know, I get into anxiety at times about my weight. Thinking about my weight, I get into anxiety, and you know, it really makes me go into a complex that I should lose weight. अगर social media का कितना कोई effect करता है आपके इस mentality में? I guess on a scale of 10, 7.5 or 8. काफी अगर social media ना होता तो आप इतना affect ना होते मतलब? Yes. Say, because you know, social media life is really much different from the real life people have, and it shows a really enhanced side of their lives. Thank you. अच्छा, तो आजकल जो लड़कियाँ हैं वो ज़रा अपने स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं होती, उनको चाहिए कि उनको ये फील होता है कि अगर उनके पास ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं तो वो वैलिडेटेड फील करती हैं, और उन कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी होता है। अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी होती है इस बात पर, और अगर दो तीन भी नेगेटिव हैं तो वो सारे पॉजिटिव को मिस करा के उन नेगेटिव पर फोकस करती हैं, तो दिस इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग। और लड़कियों के अंदर एक और भी चीज़ है कि अगर वो मेकअप करके नहीं आ रही तो दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन देयर ओन स्किन, दे हैव टू टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मेकअप ताकि उनको लग सके कि हाँ यार मैं अब प्यारी लग रही हूँ और अब इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो दे शुड बी एबल टू एक्सेप्ट देयर सेल्फ जिस तरह वो हैं। और डेफिनेटली बिल्कुल सही, थैंक यू। आई थिंक दैट दीज सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दैट वी सी नाउअडेज आर कम्प्लीटली बोगस एंड दे शुड नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक योर सेल्फ, यू माइट यू नो ओपन इंस्टाग्राम एंड यू माइट सी ए गुड लुकिंग पर्सन एंड you know, you might say that I want to be like this guy, but you don't know that that person may have had a few filters on himself. He might not be what he looks like in that photo or in that video. It must be the lighting, it must be some Photoshop. So you start comparing yourself to that artificial standard and then you get depressed about it and then you start to look smacks. So in order that you can also mock other people. So in order to do that, I would say do not compare yourself to the beauty standards. Be yourself, stay true to yourself, and always work hard to, you know, improve yourself. But do not look up to anybody else in these beauty standards.
So this was our stall for Toxic Beauty Standards Week 5 Remedies. We listened to people's experiences and we listened to how they cope up with their experiences, their mental illnesses, if they faced any, and how they faced their mental health issues after comparison with different social media influencers. And thank you for watching. Thank you for coming to our stall. Laugh is.